दोपहिया वाहन पर किसी शादी में जा रहे हैं तो सावधान। शादी के लॉन के सामने वाहन चोरी जाने की वारदातें शहर में बढ़ रही हैं। ऐसे ही एक मामला पांचवावली थाना क्षेत्र में सामने आया है। पांचवावली थाना क्षेत्र में एक दोपहिया वाहन चोरी का मामला सामने आया है। फरियादी 31 मई की रात को वे अपनी दोपहिया वाहन पर थाना क्षेत्र गोत्रा लॉन कामटी रोड शादी में गए। रात करीब 9 बजे उन्होंने लॉन के सामने अपनी गाड़ी लगाई और शादी में शामिल होने चले गए। वापस आने पर उन्हें अपनी गाड़ी नहीं दिखाई दी। आसपास पूछताछ करने पर कुछ हासिल नहीं हुआ। आखिरकार फरियादी ने गाड़ी चोरी जाने की शिकायत पांचपावली थाना में की। इसी मामले की जांच करते हुए पांचपावली थाना के पेट्रोलिंग टीम को महेंद्र नगर पानी टंकी के पास एक स्तंभ दिखाई दिया। उसके पास लाल रंग गाड़ी क्रमांक MH49BD6152 दिखाई दी। पूछताछ करने पर यह स्तंभ नाबालिग होने की जानकारी मिली। कड़ी पूछताछ करने पर उसने गाड़ी चोरी करने की कबूली भी दी। मामले की जांच करते हुए पांचवावली पुलिस के सामने बर्डी थाना क्षेत्र MP बस स्टॉप से वाहन चोरी मामला उजागर हुआ। पांचवावली पोलीस स्टेशन ला अपराध क्रमांक 716/22 कलम 379 असा वाहन चोरीचा गुन्हा दाखल आहे। त्याबद्दलची फिर्यादी जी आहे गजानन लोडकुजी पहाडे वय 52 वर्षे राहणार वांजरा जुनी वस्ती हे कामठी रोडला गोत्रा लॉन इथे लग्न कार्यक्रमाकरिता आले होते। संध्याकाळी 7 वाजता दरम्यान त्यांनी त्यांचे वाहन लावले आणि लग्न उरकून जेव्हा रात्री 9 वाजता परत आले तेव्हा त्यांनी पार्क केलेल्या ठिकाणी त्यांची जी गाडी होती पॅशन प्रो लाल रंगाची MH49BD6152 ही गाडी त्यांना मिळून आली नाही। ती गाडी कोणीतरी अज्ञात चोराने चोरून नेली अशी त्यांची खात्री झाल्यानंतर त्यांनी पोलीस स्टेशन पाचपावली येथे तक्रार दिली होती। त्याच्या अनुषंगाने आम्ही तो गुन्हा दाखल केला होता। सदर वाहन आमच्या पेट्रोलिंगच्या कर्मचाऱ्यांना बीट मास्टर्सला प्रदीप गिडाम नावाचे जे कर्मचारी आहे त्यांना ती गाडी मिळून आली। पेट्रोलिंग करताना महेंद्रनगर पाण्याच्या टाकीजवळ त्यांनी ती गाडी एक विध संघर्षग्रस्त बालक आहे बालअपचारी तर त्याच्या ताब्यात ती गाडी मिळून आली। त्याला ताब्यात घेतलं त्याच्याकडे अधिक चौकशी केली तर त्याने ती गाडी गोत्रा लॉन समोरून चोरल्याचे कबूल केले होते। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी BCN News नागपूर।